खरगोन जिले में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्यवाही जारी है। इसी क्रम में कसरावत तहसील के ग्राम खमलाए में प्रशासन ने अवैध कॉलोनी पर बड़ी कार्यवाही करते हुए 5 मकानों को ध्वस्त कर दिया। कार्यवाही के दौरान पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। कसरावत SDM अग्रिम कुमार और मंडलेश्वर SDOP मनोहर सिंह गवली भारी पुलिस फोर्स के साथ बुधवार को ग्राम खमलाए पहुंचे, जहां चरनोई भूमि पर अवैध कब्जा कर बनाई गई कॉलोनी के 2 मंजिल पक्के मकान सहित 5 घरों को जमीन दोज किया गया। कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा को जनसुनवाई में शिकायत के बाद 27 मार्च को कसरावत SDM अग्रिम कुमार ने कसरावत के नायाब तहसीलदार को जाँच के लिए आदेश दिए, जिसके बाद बुधवार को कार्यवाही को अंजाम दिया गया। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को लेकर नायाब तहसीलदार पंकज जाट का कहना है कि यहां पर कुल 6 स्थानों पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई है, जिसमें से 4 पक्के मकान थे। अवैध अतिक्रमण को लेकर इसे यहां पर 6 अतिक्रमण थे, जिसमें 4 मकान थे, एक टीन शेड का और एक खाली जगह थी, जिसको विधिवत आदेश दिया जाकर, नोटिस दिया जाकर हटाया गया। कलेक्टर महोदय के निर्देशन SDM महोदय के नेतृत्व में इसकी कार्रवाई की गई। SDOP महोदय और PI महोदय प्रशासन को कोई उसका अवरोध का या कोई संघोध का सामना करना पड़ा क्या? नहीं, किसी प्रकार के अवरोध का सामना नहीं। शांतिपूर्ण तरीके से रहा? शांतिपूर्ण तरीके। पुलिस व्यवस्था मौके पर दुरुस्त थी? मौके पर पुलिस का बहुत सहयोग मिला, पुलिस सहायता से काम आसानी से हो गया। तहसीलदार कसरावत के द्वारा पिपलगोन में अवैध अतिक्रमण शासकीय जमीन पर किया गया था, उसको लेकर पुलिस बल की बात की गई है। चालू व्यवस्था की दृष्टि से यहाँ पर जो है कसरावत द्वारा और मंडलेश्वर का पुलिस बल जो है सुरक्षा रखा है। महिला पुलिस बल भी पर्याप्त मात्रा में? महिला पुलिस बल भी यहाँ पर जो है रखा है। किसी प्रकार की कोई प्रशासन को कोई परेशानी नहीं हुई या कोई विरोध का सामना हुआ? नहीं, ऐसा कोई विरोध का सामना। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। कसरावत से प्रकाश कर्मा की रिपोर्ट।